तो हे गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ये हम लोगों का टिश्यू पेपर है, हमें ये कौन सा अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसे हटाते हैं, और ये मेरे पास कुछ चार पेंसिल्स हैं, आर्ट लाइन के है, स्टेडलर है, और स्टेडलर में 6B है, और ये डबल ई वाली जो कि सबसे हार्ड माना जाती है, और ये टोम्बो वाली जो कि टोम्बो में हम यूज करेंगे 6B ही यूज करेंगे, जो कि लास्ट आती है 6B इसमें डार्कनेस के लिए, तो 6B इसकी यूज करते हैं। और आउटलाइन की एक हम यूज करेंगे 6B और 10B। तो चलिए फटाफट से 10B, तो ये आप देख सकते हैं 10B मेरे पास कुछ ऐसी हो गई है, फिर भी चलिए आपको दिखाते हैं। ये आउटलाइन वाली है, ये आप देख सकते हैं। ये मेरे पास दो टिश्यू पेपर है, जो कि ये मेरे पास एक जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, और इसके जो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, और ये आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही हार्ड है, ये भी टिश्यू पेपर ही है। तो ये इसकी आप जो ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इसमें जो ग्रिट्स हैं बहुत ही हार्ड हैं, और इसका आप देख सकते हैं कैसे हो गया है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट सा एक ब्लेंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले 10B को करते हैं, टेन बी हो गया, 6B को करते हैं, और इस वाले टिश्यू पेपर से करते हैं हम। टेन और 6B को करेंगे, तो इसे भी कर लेते हैं। यह आप देख सकते हैं, और फिर चलिए फटाफट से कर लेते हैं इससे उस। देख सकते हैं इस वाले टिश्यू पेपर से मैंने आउटलाइन की 10B और ये 6B, तो ये 6B क्या है इस वाले, जो कि बहुत स्मूथ है, और देख सकते हैं आप क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, आप देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं इस वाले टिश्यू पेपर से मैंने 6B और 10B, तो इसका आप देख सकते हैं कैसा है, इसमें रेसा जैसा हो गया और ये क्लियर नहीं मिक्स हुआ है, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, आप देख सकते हैं। ये 6B है स्टेडलर की, और स्टेडलर की डबल ई वाली है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा स्मूथ हुई हैं ये, और इसकी आप देख सकते हैं ये दोनों इस वाले से हुआ था और ये स्मूथ वाली से। तो यहीं आ जाते हैं टोम्बो की में,
दोनों में भी आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं इन दोनों में। तो इसको आप बताएं कौन सा टिश्यू पेपर सही है, स्मूथ वाला या फिर बिना स्मूथ वाला सही है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और चलिए ट्राई कर लेते हैं एक बार, कौन सा एक बार में इरेज हो जाता है इसमें से। मेरे हिसाब से सभी हो ही जाएंगे, और ये भी टोम्बो की ही है। तो ये गाइस आप देख सकते हैं, ये जो 10B है एक बार में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये भी अच्छा इरेज हो जा रहा है, आप देख सकते हैं। और स्टेडलर की ये 6B, स्टेडलर की ये डबल ई वाली एक बार में तो हो नहीं पाएगा। ये टोम्बो वाली है, आप देख सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा हमें टिश्यू पेपर यूज करना चाहिए, क्योंकि मैं तो इससे ज़्यादा ही ले लिया था, तो मेरा वो सब ज्ञान हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बता दूँ। तो आई होप आपको पसंद आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा पेपर सही है, स्मूथ वाला या फिर बिना स्मूथ वाला। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।